मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन को लेकर सियासत तेज। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र, पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग। एमपी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश, नेता प्रतिपक्ष ने कहा सत्ता के मत में चूर है सरकार। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया अनुपूरक बजट। आरक्षण संशोधन विधेयक पर बयानबाजी जारी, सीएम बघेल ने कहा बीजेपी ने राजभवन को बना रखा राजनीति का जाल। लखमा बोले संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रही राज्यपाल। जन समाज के विरोध के दिख सकता है असर, समेत शिखर को टूरिस्ट स्पॉट घोषित, नोटिफिकेशन वापस ले सकती है सरकार। पूरे देश में जन समाज कर रहा विरोध। बैतूल के मिशनरी स्कूल में माथे पर टीका लगाने और कलावा पहनने पर विवाद, स्कूल प्रबंधन छात्रों के माथे से टीका और हाथ से कलावा हटवाया। परिजनों और हिंदू संगठनों के विरोध के बाद स्कूल प्रबंधन ने मांगी माफी। भोपाल में विद्युत वितरण कंपनी का बिजली चोरों पर शिकंजा, एक दिन में बिजली चोरी के 169 मामले दर्ज। बिजली कंपनी की 28 टीमों ने अलग अलग इलाकों में दी निर्देश। सिंगरौली में कलयुगी पिता ने नाबालिग बेटी से किया दुष्कर्म, 9 साल की मासूम की हालत गंभीर, आरोपी पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुरैना में टेरर टैक्स नहीं देने पर पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़, दो बदमाशों ने पंप मैनेजर से मांगा था 20,000 का टेरर टैक्स। पंप के सेल्समैन और स्थानीय लोगों ने बदमाशों को पकड़ा। भोपाल में फराज नाम के युवक को आरोपियों ने धमकाया, फराज के घर के गेट पर तलवार मारने का वीडियो वायरल। अनस और अरहम पर लगा है धमकाने और तलवारबाजी का आरोप। बिलासपुर में ट्रक से टकराई कार, टक्कर के बाद कार में लगी आग, हादसे के कार का कांच तोड़कर बाहर निकला ड्राइवर। उमरिया में NH-43 पर पाली के गांव मुदरिया के पास हुआ सड़क हादसा, तेज और अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, कार में सवार एक बच्चा सहित एक महिला और 3 पुरुष हुए घायल, कुल 5 लोग हुए घायल। 108 की मदद से लाया गया पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। सागर में झारखंड में गिरिडीह स्थित जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ समय शिखर को केंद्र सरकार ने पर्यटन क्षेत्र घोषित करने पर सागर के जैन समाज के व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखकर विरोध जताया। विदिशा में कलेक्ट्रेट के पीछे फिर मिला नवजात का शव, 2 महीने के भीतर दूसरी बार कुत्ते के मुंह में नवजात का शव ले जाते हुए देखा। कोरबा में जर्जर नेशनल हाईवे सड़क से परेशान सरपंच, ग्रामीण व व्यापारी संघ ने पाली मुख्य मार्ग पर किया चक्का जाम। ग्रामीणों का आरोप जर्जर हो चुकी सड़क पर न प्रशासन ध्यान दे रही है न ही जनप्रतिनिधि। रीवा और प्रयागराज के बीच नेशनल हाईवे 30 में एक के बाद एक आपस में भिड़े ट्रक, ड्राइवर और खलासी घायल, हादसे में बाल बाल बची जान। जिले में लगातार 24 घंटे में 3 एक्सीडेंट की हुई घटना। विदिशा के कारारिया चौराहे के नजदीक पेड़ पर लटकी मिली अज्ञात व्यक्ति की लाश, अनीश नामक युवक के रूप में हुई मृतक की शिनाख्त। एक दिन पहले सांची थाना क्षेत्र में एक युवती पर एसिड फेंकने के मामले में आया था मृतक का नाम। बैतूल के भैंसदेही में झारखंड सरकार द्वारा जैन श्रद्धालुओं के तीर्थ स्थल को वन अभ्यारण्य घोषित करने के बाद सकल जैन समाज में आक्रोश व्याप्त है। आज समस्त समाज ने विरोध स्वरूप अपने प्रतिष्ठान बंद रख जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। रायसेन जिले के बरेली में समस्त जैन समाज में संवेद शिखर जी झारखंड को पर्यटन स्थल घोषित करने से आक्रोशित लोगों ने 2 किलोमीटर पैदल चलकर जुलूस निकाला और एसडीएम मुकेश सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन दिया। दंतेवाड़ा के बैलाजीला बीएमडीसी लौह अयस्क परियोजना में 1964-65 में काम करने केरल राज्य से आए मलयाली परिवार ने छोटे पैमाने से शुरू पूजा का हो रहा बड़े पैमाने पर आयोजन। कोरबा में लोग ठंड से बचने के लिए ले रहे शराब पार्टी के साथ अलावा का सहारा, मणिकपुर क्षेत्र में 2 युवकों ने बहसबाजी करते हुए अमित नाम के युवक पर जलती लकड़ी के अलावा किया हमला, जला दिए गुप्तांग। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज।
पीसीसी चीफ मोहन मरकाम आज धरसीवा पहुंचे हैं। यहां उन्होंने विश्राम गृह में क्षेत्रीय विधायक अनीता शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दुर्गेश शर्मा एवं पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा की। जबलपुर में तीर्थ स्थल समेत शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का विरोध। केंद्र के फैसले के विरोध में सड़कों पर उतरा जैन समाज। झारखंड के गिरिडीह में स्थित है जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल। रायपुर में राजधानी में सक्रिय हुए लुटेरे। गोल बाजार इलाके में मोबाइल लूट की वारदात। शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर मोबाइल और घड़ी लूटी। कांकेर में जैन समाज लोगों ने तीर्थस्थल समेत शिखर पारसनाथ पर्वतराज बचाव आंदोलन का समर्थन करते हुए मौन रैली निकाली। समाज में राजपारा स्थित जैन मंदिर से मौन रैली की शुरुआत की। पालमपुर जिले के वन परिक्षेत्र में कुत्तों के हमले से नर और मादा दो चीतलों की मौत। वन विभाग ने कब्जे में लेकर कर पशु चिकित्सक से उपचार कराया गया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में उम्र सीमा को लेकर लगाई गई याचिका पर की सुनवाई। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए परीक्षा में शामिल होने की दी अनुमति।